चैप्टर in हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में किया अब बात करते हैं की या की, क्या होती स्टडीज और कैसे हम केस स्टडी के थ्रू साइकोलॉजी में रिसर्च या इंक्वायरी या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किया करते हैं क्लियर है? करें स्टार्ट आई होप सो so. आप सभी रेडी हैं मेरे साथ में केस स्टडीज को जानने के लिए सो बेसिकली देखो नाम से क्या सजेस्ट कराए केस स्टडी जहां पर आप किसी केस को स्टडी कर रहे होते हो अब इन जनरल हम केसेस के बारे में क्या जानते हैं जो शायद पुलिस वगैरह में हो जाते हैं केसेस किसी को मार दिया तो केस हो गया चोरी हो गई तो केस हो गया दैट नॉट केसेस बट इन जनरल किसी पर्टिकुलर केस को स्टडी करना नाउ व्हाट इज दिस केस इसको हम समझेंगे अब यहाँ पर ओके okay? सो so, देखो इन दिस मेथड द एम्फेसिस इज गिवन ऑन इन डेप्थ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर इस केस केस स्टडी के अंदर हम जनरली क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस को इन डिटेल में हम स्टडी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर केस को हम इन डिटेल इन डेप्थ स्टडी करते हैं रिसर्चर्स फोकस ऑन केसेस विच कैन प्रोवाइड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन और न्यू लर्निंग ऑन लेस अंडरस्टूड फिनमिना अब जनरली कौन से केसेस को पढ़ा जाता है किसके ऊपर फोकस किया जाता है तो ऐसे सारे केसेस जो हमको किसी तरह की कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं या फिर जिसके थ्रू कोई नया नॉलेज कोई नई लर्निंग होने वाली है किसी ऐसे फिनिना को किसी ऐसे केस को पढ़ा जाता है जिसके बारे में अब तक बहुत कम नॉलेज है या हम उसको जानना चाहते हैं और ज़्यादा सो so, इन सारी चीज़ों के लिए हम केस स्टडीज़ करते हैं आया समझ में हम क्या करते हैं हम केस स्टडीज करते हैं उन टॉपिक्स पर जहां से हमको कोई न्यू रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जहां से कोई न्यू नॉलेज डेवलप होने वाला है जिन फिन के बारे में अभी तक कम इंफॉर्मेशन थी हम उसके बारे में और ज्यादा जान सकते हैं अब जैसे आप किन चीजों के ऊपर केसेस कर सकते हो तो एक केस कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जहाँ पर आप किसी एक पेशेंट पर जिसके अंदर किसी तरह की कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसको पढ़ने की कोशिश करो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैं हूँ आप रिसर्चर हो ठीक है आप मेरे मुझे किसी तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस में बहुत ही डिप्रेशन में रहती हूँ हमेशा तो आप मेरे ऊपर मेरा केस आप स्टडी कर रहे हो ठीक है दैट इज योर केस स्टडी ऑन मी टॉपिक ऑन हो गया मैं इंडिविजुअल अब केस स्टडी किसी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के ऊपर भी की जा सकती है जिनके बीच में किसी तरह की कोई कॉमनलिटी है मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर एंड महादेवी वर्मा दोनों ही क्रिएटिव राइटर्स रहे हैं इन दोनों के जो भी सारा राइटिंग वगैरह रहा उसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो इंडिविजुअल में जैसे एक एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल आप जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या भीमराव जी अंबेडकर इनके बारे में जो है आप स्टडी करना चाहते हो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जैसे आपने टॉपिक लिया महात्मा गांधी महात्मा गांधी का पूरा केस आपने स्टडी किया तो वहां आप उनके पूरे जन्म से लेके उनकी पूरी जो डेथ थी वहां तक का पूरा हर एक सिनारियों को जो है उसके अंदर इन डेप्थ स्टडी करोगे जैसे मैंने आपको स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल बोला तो आप कहीं ना कहीं कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हो आप किसी तरह की कॉमन चीजें हैं किसी के बीच में लाइक like मैंने आपको रविंद्रनाथ टैगोर एंड महादेवी वर्मा का एग्जांपल दिया तो आप उसके ऊपर स्टडी कर सकते हो एक पर्टिकुलर केस आपके पास में होना चाहिए इसके बाद में आप किसी इंस्टीट्यूशन पे स्टडी कर सकते हो जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है कोई कॉर्पोरेट ऑफिस है जो बहुत ही सक्सेसफुली फंक्शन करता है जो बहुत ही अच्छे से जो है मतलब अभी तक हमको उसकी परफॉर्मेंस देखने को मिली है तो आपने उसके ऊपर स्टडी करने स्टार्ट कर दी लाइक फॉर एग्जाम्पल आपके डिस्ट्रिक्ट uh, में कोई एक स्कूल है फॉर एग्जाम्पल आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक स्कूल है और वो वन ऑफ दी टॉप स्कूल्स इन इंडिया के अंदर माना जाता है कंसिडर किया जाता है तो उसकी मतलब बहुत अच्छी रैंकिंग है तो आपने अब उसके ऊपर स्टडी करने स्टार्ट कि ये इतना ज्यादा अच्छे से फंक्शन तो आपका पर्टिकुलर केस क्या हो गया ये स्कूल तो आप किसी इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी स्टडी कर सकते हो आप किसी स्पेसिफिक इवेंट को भी स्टडी कर सकते हो जैसे फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एक्सपोज टू डिस्टिटेड बाई सुनामी वॉर और व्हीकुलर पोल्यूशन एक्सेट्रा फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्पेसिफिक इवेंट को स्टडी किया जैसे केदारनाथ में जो सुनामी आई थी जो पूरा डिजास्टर हुआ था टू थाउजेंड थर्टीन में आपने उस स्पेसिफिक केस को ले लिया अब आप उसके ऊपर रिसर्च करो आप उसके ऊपर स्टडी करो दैट इज केस स्टडी आया समझ में क्लियर हुआ क्या बात मैंने कि जहां आप किसी पर्टिकुलर केस को लेते हो और फिर आप उसके ऊपर इन डेप्थ नॉलेज उसका एक्वायर करते हो उससे रिलेटेड सारी चीजों को जानते हो जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक इवेंट की मैं आपसे बात कहूं कि केदारनाथ डिजास्टर को आप पढ़ रहे हो केदारनाथ डिजास्टर क्यों हुआ कब हुआ क्या कारण थे कौन कौन सरवाइव किए किन किन लोगों को क्या सारी परेशानियां हुई गवर्नमेंट ने क्या सारी हेल्प करी कैसे डिजास्टर को कंट्रोल मतलब कब हुआ कैसे हुआ हर एक चीज इन डिटेल इन डिटेल आपके पास में होनी चाहिए दैट इज केस स्टडी तो बेसिकली केस स्टडीज कहा क्या है वे यू ऑप्टेन डेप्थ स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर केस वे यू डू वे यू परफॉर्म डेप्थ स्टडी ऑन अ पर्टिकुलर केस दोज आर कंसिडर्ड एज केस स्टडीज क्लियर है आया ये यहां तक समझ में नेक्स्ट

किसी भी रिसर्च को करो तो आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए जहां पर आपको इंफॉर्मेशन बहुत सारी मिल जाए डेटा आपको बहुत सारा मिल जाए तो जब हम केस स्टडीज करते हैं तो उसमें हम जनरली ऐसे केसेस को सिलेक्ट करते हैं जो बहुत ही यूनिक हो ऐसा ना हो कि आपने कोई भी केस उठाया आपने अपने पड़ोसियों का केस उठाया और आप उसके ऊपर स्टडी करने लगे नॉट दैट वे मतलब कोई ऐसा केस जो बहुत यूनिक है ठीक है यूनिक है पॉपुलर है और साथ ही साथ में उस पर स्टडी हो सकती है रिच इन इंफॉर्मेशन होना चाहिए सो अ केस स्टडी एम्प्लॉयज मल्टीपल मेथड्स फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अब केस स्टडी बहुत सारी टेक्निक्स के थ्रू की जा सकती है आप इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन साइकोलॉजिकल टेस्ट साथ ही साथ में ढेर सारे रिस्पॉन्डेंट्स के साथ में मिलके किसी केस स्टडी को परफॉर्म कर सकते हो उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑप्टेन कर सकते हो जैसे हम यहाँ एक वही वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके केदारनाथ डिजास्टर वाला अब वहां पर आपने लोगों से इंटरव्यू करने स्टार्ट किया आपने लोगों से पूछने स्टार्ट किया फेस टू फेस इंटरव्यू आपने किया आप गए वहां पर और आपने केदारनाथ में जाके जो है मतलब जो लोग वहां पर थे जिन्होंने सर्वाइव किया ऐसे लोग नहीं जो अब वहां पर बस चुके हैं उनसे नहीं जो ऑलरेडी थे वहां पर उस एक टाइम पर आपको उनसे पूछना है हो सकता है आज वो केदारनाथ में नहीं बल्कि कहीं और रहते हो मे बी वो गुजरात में रहते हो तो आप उनको वहां से भी जाके जो है उनसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो आप उनका इंटरव्यू कर सकते हो आप चीज़ों को कोई ऐसी मेथड है जहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो तो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेटा करो तो आप अलग-अलग मेथड्स -अलग को एम्प्लॉय करके इंफॉर्मेशन जो है गेन कर सकते हो एंड विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज साइकोलॉजिस्ट हैव डन रिसर्च टू अंडरस्टैंड फीलिंग्स फैंटेसीज होप्स फियर्स टिक एक्सपीरियंसिस पेरेंटल अप ब्रिंगिंग एंड सो ऑन दैट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अर्सन माइंड एंड बिहेवियर और ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हुई हैं मतलब आई डोंट नो आज आप उनके बारे में पढ़ते हो या नहीं बट आई एम वेरी मच श्योर कि जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाओगे तो आपको केस स्टडीज पढ़ने को मिलेंगी ठीक है हाइयर क्लासेज में भी मे बी आपको केस स्टडीज मिले तो जनरली क्या होता है अच्छा देखो एक और चीज मैं बता देती हूँ कि जैसे जो भी चीजें पढ़ाती हूँ अगर उससे रिलेटेड मुझे कहीं भी कोई ऐसा चीज़ मिलती है कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मैं आप तक पहुँच तो 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 वो आप आप तक तक आएगी, है ना? तो ऐसे मैं सोच रहा है कि मैं नहीं मैं मैं नहीं मुझे मुझे अगर मिलेगी तो, तो जरूर कोई ऐसी केस स्टडी मिलती है जो मैं आपके साथ में शेयर कर सकती हूं तो अब तो देखो जनरली क्या होता है केस स्टडीज बहुत सारी कंडक्ट हुई है बहुत सारी कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने फीलिंग्स क्या होती हैं फियर्स uh, क्या होते हैं कैसे कोई किसी ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर लेता है कैसे जो है पेरेंटल अपब्रिंगिंग में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी है या अच्छी चीज़ें भी हैं तो इन सारी चीज़ों को समझा जाता है ठीक है ये सारी चीजों का नॉलेज जो है हम तक पहुंचता है और केस स्टडीज कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा मतलब मैं बोलूं आपको साइकोलॉजिकल इंक्वायरी की मेथड मेथड है है बहुत ही अच्छी जहां पर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हो इन डेप्थ आप उसकी स्टडी कर सकते हो मतलब आपको कोई नई चीज क्रिएट नहीं करना मतलब मैं एक मतलब अलग डायमेंशन से बता रही हूँ कि केस स्टडीज जनरली क्या होता है आप किसी पर्टिकुलर केस को पढ़ रहे हो ना जो चीज हो चुकी है आप उसको पढ़ रहे हो तो वहां थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज होती है जब आप कुछ नया

बहुत ही वेल्युएबल रिसर्च टूल है क्लिनिकल साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट में केस स्टडीज जब ह्यूमन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं या हम किसी तरह की क्लिनिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें केस स्टडीज इंपॉर्टेंट होती है जैसे मैं आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे आपने देखा पियागेट ने आपने देखा कि पियागेट ने एक थ्योरी बनाई कॉग्नेटिव डेवलपमेंट की जिसमें उन्होंने अपने तीन बच्चों के ऊपर जो है ऑब्जर्वेशन किया कि कैसे डेवलपमेंट होता है कैसे एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है उसमें क्या सारे फेजेस होते हैं तो उन्होंने तीन बच्चों को लिया उन तीन बच्चों के

इनकी थ्योरी आपने पढ़ी थी साइको एनालिसिस करके है ना कि इन्होंने जो है साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था तो जनरली इन्होंने अपने जो ये साइको अनोलिटिक थ्योरी है उसमें ये बताया कि फ्रॉम हिज ऑब्जर्वेशन एंड शोड दैट मेटिकुलस रिकॉर्ड मस्ट बी मेंटेन ऑन इंडिविजुअल केसेस आपके जो भी सारे इंडिविजुअल केसेस होते हैं उसके आपको रिकॉर्ड जो है वो बना के रखने चाहिए उससे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो सॉरी मिलती रहती है तो कहीं ना कहीं उन्होंने साइकोलॉजी और सारी चीजों को एनालाइज करते हुए साइको थ्योरी को डेवलप किया तो केस स्टडीज की इंपॉर्टेंस हमको यहां से देखने को मिलती है केस स्टडीज जो है वो चिल्ड्रन के सोशलाइजेशन पर भी आ, मतलब जो है उस पैटर्न पर भी की जा चुकी है नाउ वट इज द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन ट इज बेसिकली सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन वट इज बेसिकली सोशलाइजेशन सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जहां पर हमको सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है आपने ये चीजें देखी होंगी कि जब एक बच्चा होता है और उसके पूरे डेथ तक मतलब एक पर्सन जब वो उसका जन्म होगा और जब उसकी मृत्यु होगी तब तक वो पूरा एक सोसाइटी का पार्ट होता है हम सभी सोसाइटी के पार्ट हैं हम सभी सोसाइटी में रहते हैं हम चाह के भी इस सोसाइटी से बाहर नहीं आ सकते ठीक है इतनी चीजें पता है या नहीं पता है बताओ बेसिक आ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ देखो हम सभी सोसाइटी का पार्ट हैं हम अक्सर कहते हैं ना कि समाज के चार लोग हमारी समाज में हम रहते हैं जिस समाज में हमारी क्या पहचान होगी हमारा समाज हमको किस तरह से आइडेंटिफाई करता है ये समाज क्या है दिस इज योर सोसाइटी है ना ये समाज ये सोसाइटी ही तो है जो हमको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है आप सोचो जैसे सपोज आप अकेले हो आप हो आपकी फैमिली हो कहीं बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर रहते हो आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी मे बी आप सुबह उठते हो काम करते हो घर आते हो बट देर विल बी नो एंटरटेनमेंट इन लाइफ एंटरटेनमेंट क्या कुछ भी नहीं होगा लाइफ में मतलब आप खुद अपनी उस लाइफ से बोर हो जाओगे बट जब हम डेली जो है उठते हैं अपनी फैमिली से मिलते हैं फिर अपने फ्रेंड से मिलते हैं ऑफिस जाते हैं स्कूल जाते हैं अपने जो है मतलब सारा मौज मस्ती घूमना फिरना और हर एक चीज एंजॉयमेंट करते हैं लाइफ को जीते हैं वो लाइफ हम कब जी पाते हैं जब हम सोसाइटी के साथ में होते हैं तो ये सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और मैंने जो आपको कहा कि एक चाइल्ड जब होता है ना जब उसका जन्म

हमारा अपना स्कूल होता है स्कूल में हमको सारी चीज़ें करनी होती है जब हम घर में होते हैं तो हमको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं तो कैसे हमको सोसाइटी में रहना है कैसे हमारी एक पर्सनल लाइफ है कैसे हमारी एक पब्लिक लाइफ है वो सारी चीज़ें बच्चों को बचपन से ही सिखाई जाती है मतलब जो बड़े होते हैं ना जैसे आपने देखा होगा कि जब छोटा बच्चा कहीं जाता है तो उसको सिखाया जाता है नमस्ते बोलो बेटा और साथ ही साथ में शेक हैंड करो हेलो बोलो ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है तो वो बचपन से उसको सिखा दिया जाता है कि आपको बड़े तक कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है तो ये जो सोशलाइजेशन हो रहा है

तो ये केस स्टडी हो गई एस आनंद लक्ष्मी एस आनंद लक्ष्मी ने वाराणसी में एक वीवर्स कम्युनिटी है उनके बच्चों के उनका जो मतलब चाइल्डहुड का एस्पेक्ट है उस एक चीज के ऊपर केस स्टडी करी मतलब आप किसी पर्टिकुलर केस को ले लो अब जैसे यहां पर हम आनंद लक्ष्मी की बात करें सो शी स्टडीड एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्डहुड इन अ वीवर्स कम्युनिटी इन वाराणसी वाराणसी में चाइल्डहुड को लेके क्या सारे आस्पेक्ट रहे हैं उसको उन्होंने डिटेल में स्टडी किया केस स्टडी किया ओके Case studies provide detailed, प्रोवाइड depth depictions of people's lives. However, while जनरलाइजिंग ऑन द basis ऑफ इंडिविजुअल cases, वन नीड्स टू बी वेरी cautious. बस इसमें एक चीजें क्या ध्यान रखनी है देखो ये तो है कि केस स्टडी के थ्रू आपको बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी बहुत सारा कुछ जानने को मिलेगा बहुत इन डेप्थ नॉलेज आपको किसी टॉपिक का होगा बट इसी के साथ साथ में आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है क्यों जरूरत है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर केस को स्टडी कर रहे होते हो तो आपको उसके सारे पॉइंट्स को देखना होता है बट कहीं उसमें किसी तरह का कोई लेक्यूना ना आ जाए आपको हर एक चीज को ध्यान में रखना होता है और साथ ही साथ में प्रॉब्लम होती है वैलिडिटी की कि हम जो चीज़ के लिए मतलब जिस भी एक मेजर के साथ में हमने इस स्टडी को स्टार्ट किया था क्या एक्जैक्टली exactly वो चीज़ हमको मिल रही है क्या वो एग्जैक्टली exactly रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है इस एक चीज़ के लिए जो है हम क्या करते हैं जनरली केस स्टडीज में वैलिडिटी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है और जनरली क्या होता है जैसे आप इंडिविजुअल या सिंगल केस स्टडी कर रहे हो तो वो थोड़ी सी चैलेंजिंग भी होती है सारा डेटा कलेक्ट करना सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना सारी चीज़ों को जो है मतलब गैदर करना और फिर उसके बाद में उसको एनालाइज़ करना तो थोड़ा सा चैलेंज होता है बट स्टिल ये बहुत ही इफेक्टिव टूल है आपकी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का इट इज़ रिकमेंडेड दैट द इन्फॉमेशन शुड भी कलेक्टेड यूजिंग मल्टीपल स्ट्रैटजीज फ्राम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई ए नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स ये एक चीज़ कही जाती है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है उसमें डिफरेंट सोर्सेज हों और बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स हों मतलब बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर तो नहीं मतलब जैसे मैं रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं किसी सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर बेस्ड हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर जो है आ, केस स्टडी कर रही हूँ तो अब मैंने सिर्फ एक उनकी कोई बुक थी उसको पकड़ा और सिर्फ उसी के बेसिस पर मैंने जो है पूरा आ, अपने केस स्टडी और पूरा रिजल्ट बना दिया अपनी रिसर्च का ऐसा नहीं होना चाहिए उससे रिलेटेड जितने सोर्सेज रिलीवेंट हैं एटलीस्ट में पांच छह सोर्सेज तो मेरे पास में होने चाहिए और फिर उसके बाद में मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचू तो ये एक चीज मुझे ध्यान में रखनी है जब भी मैं केस स्टडी कर रही हूँ केयरफुल प्लानिंग ऑफ डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी सो दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडीज अब जैसे कि अभी तक हमने ऑब्जर्वेशनल मैथड पढ़ी एक्सपेरिमेंटल मैथड पढ़ी को रिलेशनल रिसर्च पढ़ी सर्वे मैथड पढ़ी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ी और केस स्टडी भी पढ़ा तो ये जितनी भी सारी मैथड्स हमने पढ़ी इसमें हमने अलग अलग तरीके से देखा कि आप कैसे रिसर्च कंडक्ट कर सकते हो और अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से टेस्ट के लिए या किस तरह की रिसर्च के लिए कौन सी मेथड रिलेवेंट होगी कौन सी चीज में यूज करूं कौन सी मेथड में यूज ना करूं और ऐसा ना है मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही मेथड के बेसिस पर मैं सारी रिसर्च अपनी कर लूं मैं दो चार मेथड्स को भी यूज कर सकती हूं बस इंपॉर्टेंट ये है कि मेरा जो डेटा कलेक्शन होना चाहिए ना वो बहुत ही केयरफुल प्लानिंग के साथ में होना चाहिए जो इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए है वही इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचे इस एक चीज को मुझे एश्योर करना है मतलब कि ये मैं आपको इन जनरल सारी मेथड्स का बता रही हूँ कि जितनी भी मेथड्स होती हैं रिसर्च करने के लिए उन सभी मेथड्स में डेटा आपके पास में रेलिवेंट होना चाहिए वैलिड होना चाहिए इसके बाद में पूरे इस डेटा कलेक्शन के प्रोसेस में द रिसर्चर इज रिक्वायर्ड

ये सारी चीजें तो हर एक मेथड के अंदर होंगी रिसर्चर का काम क्या है कि बेस्ट मेथड को यूज करना और अगर एक नहीं डिजायरेबल है तो दो चार मेथड्स को यूज कर लो और डेटा कलेक्ट कर लो लाइक like ऑब्जर्वेशन भी कर लो को रिलेशनल रिसर्च भी कर लो किसी तरीके से केस स्टडी लगता है मतलब जो रेलिवेंट हो ऐसा ना हो कि बिल्कुल खिचड़ी नहीं पकाना है बट जो भी मेथड आपकी स्टडी के लिए रेलिवेंट हो उस एक मेथड को ध्यान में रखते हुए आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कर सकते हो दो इट इज डिजायरेबल दैट द रिसर्चर शुड नॉट डिपेंड अपॉन ओनली वन मेथड ऐसा ना हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज किया और मैंने पूरी रिसर्च जो है कंडक्ट कर दी। अगर मुझे उसमें रिक्वायर्ड है तो मैं उसमें एक्सपेरिमेंटल मेथड को भी यूज कर सकती हूं क्लियर है आई भी यहां पर समझ में सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मैथड्स शुड बी यूज टू गेट द रियल पिक्चर एंड इफ द मेथड कन्वर्स दैट इज दिट द सेम कैन सटनली बी मोर कॉन्फिडेंट जैसे मान लो मैंने कोई रिसर्च uh, कंडक्ट करी तो उसमें मैंने एक ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू सारा डेटा कलेक्ट करा दूसरा मैंने क्या करा मैंने एक्सपेरिमेंटल मैथड यूज कर ली इसके थ्रू भी मैंने डेटा कलेक्ट करा अगर दोनों से मेरे रिजल्ट बिल्कुल सेम आते हैं तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहूंगी ना कि हाँ मेरी रिसर्च बिल्कुल सही है तो सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या एक चीज है प्रॉब्लम तो हम ढूंढ लेते हैं टॉपिक हम ढूंढ लेते हैं रिसर्च का और उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करना भी स्टार्ट कर देते हैं डेटा रेलिवेंट होना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर डेटा रेलिवेंट नहीं है अगर डेटा अच्छा नहीं है तो जितना भी सारा काम किया उसका कोई सेंस नहीं है डेटा अगर बहुत अच्छा है और साथ ही साथ में ऐसा डेटा हो जो बाकियों से अलग हो जो बाकी अभी तक रिसर्च हुई है उससे अलग हो तो वो आपकी रिसर्च को और ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा अच्छा और ज्यादा वैलिड बनाता है तो डेटा कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के अंदर एंड दीजिए और ऑल दी मेथड्स ऑफ योर साइकोलॉजिकल इंक्वायरी जिसमें जो लास्ट हमने डिस्कस करी दैट इज योर केस स्टडी क्लियर है आई यहाँ तक समझ में सो दिस वाज ऑल अबाउट योर केस स्टडीज एंड ऑल दी मेथड्स अभी तक मैंने जितनी भी मेथड्स पढ़ी हैं बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि डेटा कलेक्शन आपका बहुत अच्छे से हो आपका डेटा ऑथेंटिक वैलिड रिलायबल होना चाहिए समझ में आया सारा कुछ तो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जहां पर हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर से रिलेटेड आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा स्टिल कोई भी डाउट है कोई भी सजेशन है कुछ भी है रिलेटेड टू योर साइकोलॉजी रिलेटेडी सब्जेक्ट योर टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपके सारे डाउट्स को वहां पर भी मैं आंसर कर दूंगी अब बात करते हैं जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगी आपको मैगजीन प्रिंस की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है तो देखो सारे लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर साथ ही साथ में

अब यहां से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है कोई और टॉपिक कोई और चैप्टर कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है यहां से कैंसिल कर दो सो so, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो यहां आपको मिलती है हंड्रेड फ्री ऑनलाइन एजुकेशन बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के कोई पेमेंट नहीं करना है कोई कूपन नहीं खरीदना है सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स सो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके अब आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं तो फटक से वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच